बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई लोगों को अपने परिजन नहीं मिले हैं जो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे ऐसे भी परिजन हैं जो परेशान हैं, क्योंकि उनके घर के कोई ना कोई सदस्य जो ट्रेन में सफर कर रहे थे वो अभी भी उन्हें नहीं मिल सके हैं। ये मेरा भाई है, मेरा अंकल का लड़का है। हम लोग उधर से बंगाल से आया, 400 किलोमीटर इधर लंबा आया, अभी आया इधर। एक भाई को हम लोग दो आदमी था, एक भाई को उधर इधर से रजिस्टर किया, उसको मिला, वो बोल रहा है कटक में ट्रांसफ़र किया, लेकिन अभी इसको अभी तक मिला नहीं है। हम भाई हावड़ा से कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई जा रहा था, चेन्नई से मैंगलोर एक्सप्रेस पकड़ के केरला में जा रहा था। केरला जाना था। बिल्कुल, ये प्रभास वैद्य की फ़ोटो है। प्रभास वैद्य इस वक्त नहीं मिल रहे हैं, उनकी खोजबीन उनके परिजन जो हैं लगातार कर रहे हैं, कई अस्पतालों में गए हैं, लेकिन अभी तक प्रभास वैद्य का कोई पता नहीं चल सका है। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं और कोशिश यही है कि प्रभास की जल्दी से जल्दी खोजबीन कर ली जाए, क्योंकि परिजन उनके बेहद परेशान हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने अस्पतालों का दौरा किया जहां का मंजर भयानक है। अस्पतालों में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाली हो। ओडिशा के SCV मेडिकल कॉलेज में भर्ती इन मरीजों का हाल देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घायलों की स्थिति भयानक है, किसी के सिर में गंभीर चोटें हैं तो किसी के हाथ में, किसी के मुंह पर पट्टियां बंधी हैं तो किसी के पैर में। तकलीफ इतनी कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बोलने की पोजीशन में नहीं है। फिलहाल ऐसे तमाम लोगों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। परिजनों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये स्वस्थ हो जाएंगे और वापस घर को लौटेंगे। कटक में भर्ती मरीजों में कितनों की हालत गंभीर है इसके बारे में सही सही जानकारी देने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगेगा। क्या स्थिति है फिलहाल यहाँ पर, डॉक्टर्स जो हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हर एक शख्स का बाकायदा जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है कि समय पर हर किसी को इलाज मुहैया कराया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले की एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भुवनेश्वर के एम्स और कटक के अस्पतालों का दौरा करेंगे।